वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हमें गुरुद्वारा बंगला साहिब में और यहाँ हम आपको दिखाएंगे फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से कैसे रोटियां बनती हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं गुरु के नाम के साथ। देखिए इधर ये आटा गूंदा जाएगा, इसमें कितना किलो आटा बन जाता है भाई एक बार में? कितने किलो आटा बन जाता है? 50 किलो। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 50 किलो आटा जाएगा। 50 किलो आटा 20 मिनट के अंदर गूंद जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप खुद सोचिएगा हाथों से आटा गूंदने बैठ जाए 50 किलो तो कितनी देर लगेगी, इसमें 20 मिनट के अंदर ही पूरा काम तैयार हो जाएगा। और अब देखिए आटे के बाद इसमें पानी डाला जा रहा है इसको गूंदने के लिए। ये काम करने के लिए अगर संगत यहाँ पे कर रही होती थी 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगा करता था, अब 20 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। कोई 10-12 मिनट हो चुके हैं और 10-12 मिनट के अंदर ये 50 किलो आटा गूंदा जा चुका है और अब इससे रोटियां बनेंगी। तो ये जो आटा है इसको छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद ये डाला जाएगा मशीन के अंदर और मशीन से इस आटे के अपने आप पेड़े बन के निकलते रहेंगे। वही जो पेड़े हैं इनके ऊपर ये सूखा आटा डाला जा रहा है जिससे कि इनके ऊपर हल्का हल्का सूखा आटा लग के आता रहे, ये जो रोटी बने वो फटे ना। और ये देखिए पेड़ों की अपने आप इधर रोटियां बनती हुई निकल रही हैं। तो यहाँ तक जो रोटी आ रही है वो हल्की सी मोटी है, यहाँ पे थोड़ी और पतली होकर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोटी की शेप बन के निकलेगी इधर। और ये जो रोटियां यहाँ पे गैस में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ऐसे घूम घूम के सिकेंगी कि पूरी परफेक्ट तरीके से सिक के बाहर निकले। और आप देख सकते हैं पहले रोटी उधर से आएगी, वहां सिकेगी, हल्की सी आंच लगेगी, यहाँ पे आंच लगेगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ पे आंच लगेगी और बिल्कुल फूल के रोटी तैयार होगी। ये देख लीजिए आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली हुई रोटियां निकल रही हैं और जो रोटियां हैं वो सिक्के अपने आप इधर से निकलती रहेंगी। ये मतलब कितनी रोटियां निकल जाती हैं इसमें? 1 घंटे में 4000। 1 घंटे में 4000 रोटियां? तो ये देखिए इधर से 1 घंटे में 4000 रोटियां निकल सकती हैं। तो कितना मतलब टाइम सेव हो जाता है और ये इन पर घी लगता रहेगा इधर। तो रोटियां निकल रही हैं उधर से, इधर इन पे घी लग रहा है और घी लगने के बाद ये रोटियां आ रही हैं इधर, जहां से डायरेक्ट संगत के पास चली जाएंगी लंगर में। इस सेवा से देखिए कैसे लंगर खिला रहे हैं, मतलब ऐसा सेवा भी कर सकते हैं आप और मतलब लंगर का आनंद भी ले सकते हैं और आके सेवा भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये देखिए तो गाइस जैसा भी आपने देखा लंगर में कोई भी आ सकता है, गरीब अमीर छोटा बड़ा मंत्री भिखारी सब एक जगह बैठ के खा सकते हैं, अपना पेट भर के खा सकते हैं। बस एक आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, जब आप लंगर चखने आए बस खाना आप वेस्ट ना करें, उतना ही खाना नहीं जितने की आपको ज़रूरत है। अगर आप खाना वेस्ट कर रहे हैं वो आप समझिए किसी और के हिस्से का खाना आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो बस यही मेरी आपसे गुजारिश है, बाकी मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक बार जोर से बोल दीजिए जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।